Hello friends, welcome back. We were talking about the colligative properties. हमने last time जो colligative property को discuss किया that were relative lowering in vapor pressure. उसके बाद हमने elevation in boiling point को study किया. Thereafter हमने depression in freezing point को study किया. आज हमारी जो last colligative property है that is osmotic pressure. तो osmotic pressure को हम आज detail में study करेंगे कि osmotic pressure होता क्या है, किससे डिनोट करते हैं, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है और इससे मॉलिक्यूलर मास किसी सॉल्यूट का कैसे निकाल सकते हैं. तो शैल वी स्टार्ट. सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस टर्म का मतलब पता होना चाहिए. ऑस्मोसिस होता क्या है? जनरली यो ऑस्मोसिस एक ऐसी टर्म है, ऑस्मोसिस को जब भी हम लिखते हैं इसके साथ ही एक टर्म आती है डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों कोरिलेटेड टर्म्स हैं. इसमें सिर्फ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में सिर्फ डिफरेंस यहां पे आता है कि ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होती है वो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं. मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा. इसमें सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं. डिफ्यूजन में मूवमेंट होती है बोथ. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे पास एक कंटेनर है, लेट अस सपोज इसमें वाटर था, इसमें मैं साल्ट सॉल्यूशन डाल देता हूं या साल्ट मॉलिक्यूल डाल देता हूं. अब डिफ्यूजन में क्या होता है, साल्ट वाटर की तरफ मूव करेगा, वाटर साल्ट की तरफ मूव करेगा, बोथ द मॉलिक्यूल्स मूव. तो यहां पे मूवमेंट होगी. अगर साल्ट का मैंने सॉल्यूशन लिया हुआ है तो साल्ट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा. जब इसको वाटर में डालेंगे जो साल्ट सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल हैं वो वाटर की तरफ अप्रोच करेंगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो साल्ट की तरफ अप्रोच करेंगे और जो पूरा सॉल्यूशन है वो डिल्यूट हो जाएगा. मतलब साल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, जिसमें दोनों के दोनों पार्टिकल्स मूव करते हैं, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी मॉलिक्यूल अप्रोच करते हैं एक दूसरे को. वेयर एज ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें, ऑस्मोसिस जब भी वर्ड लिखा होगा तो यहां पे एक स्मॉल सी टर्म लिखी होती है जो इसका पूरा मीनिंग डिटरमाइन कर देती है हमें, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलो करती है पास करने के लिए, लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल को मूव नहीं करने देती. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक कंटेनर बताता हूं, जैसे आप सारे देखते हैं हम रेजिन होती है, रेजिन जिसको आप सोंगी बोलते हो डोगरी में या हिंदी में, तो इसको जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो रेजिन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो अंदर का सॉल्यूशन है जैसे स्वीट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बोल सकते हो, वो बाहर की तरफ नहीं आता. तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं. ऑस्मोसिस में होता क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. अगर मैं रेजिन की एग्जाम्पल बता रहा हूं तो इसमें क्या है, रेजिन के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी. मतलब यहां पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, वेयर एज वाटर में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है. अब इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव ओनली सॉल्वेंट करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. यहां पे कंसेंट्रेशन कम है सोल्यूट की, यहां पे ज्यादा, तो ये यहां से वाटर से मूव करेगा रेजिन के अंदर. तो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल, देखिए मैंने वर्ड लिखा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी मीन्स हाफ, परमिएबल मीन्स जो परमिट करे. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलो करे, सोल्यूट मॉलिक्यूल को बाहर ना निकलने दे. हमारी जैसे हमारी स्किन है, एनिमल मेम्ब्रेन है जिसको हम स्किन बोलते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन ये भी एक तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. जैसे हम एग्जांपल के तौर पे करते हैं, गर्मियों में हम वर्कआउट करते हैं तो हमें पसीना आता है, तो पसीने से जो बाहर आता है दैट इज वाटर, स्वेट की फॉर्म में वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा. कभी भी नमक बाहर नहीं आता क्योंकि हमारी बॉडी में साल्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो कभी भी बाहर नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को बाहर निकलने देगी,
अलो करेगी मूव करने के लिए, लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्ट कर देगी, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, वहां से मूव करेगा जहां पे सोल्यूट कम है और उस तरफ मूव करेगा जहां पे सोल्यूट ज्यादा है। मोस्टली क्या होता है डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होती है वो इस तरह से होती है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर। जैसे आप लेट अस सपोज आप गैसेस में डिफ्यूजन देखते हो, आप फ्रिज खोलते हो, फ्रिज की जितनी भी कूल एयर होती है फ्रिज के अंदर, बाहर हॉट एयर है, तो जैसे ही आप फ्रिज ओपन करते हो तो सारी की सारी कूल एयर बाहर निकल जाती है। कूल एयर हॉट की तरफ अप्रोच करती है और हॉट एयर कूल की तरफ अप्रोच करती है, जिसकी वजह से आफ्टर सम टाइम देयर इज अ इक्विलिब्रियम। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस में, तो ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं, वेयर एज सोल्यूट मॉलिक्यूल डू नॉट मूव, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सोल्यूट मॉलिक्यूल को अलो ही नहीं करती कि बाहर निकलने के लिए। तो इसको बोलेंगे, इस टर्म को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, मोर ओवर आप 10th तक भी इसको पढ़ते आते हैं। तो हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि लेट अस सपोज मैं यही एग्जाम्पल ले रहा हूं रेजिन की, आप रेजिन को वाटर में डाल देते हो, रेजिन को वाटर में डाल देते हो, जैसे ही आप वाटर में इसको डिप करके रख दोगे, ये हम कॉमन घर पे भी देखते हैं, हम शाम को जब भी कभी ये होते हैं, आप इवन ग्रैम्स को जो काले चने होते हैं इसको आप भिगो के रख देते हो, तो होता क्या है जितना भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है वो इनके अंदर परकुलेट कर जाता है, इनके अंदर मूव कर जाता है, जिसकी वजह से स्वेल अप हो जाते हैं। तो यहां पे ऑस्मोसिस होती है बिकॉज ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेट अस सपोज मैं रेजिन को वाटर में रखता हूं, लेकिन रेजिन के ऊपर से कोई मतलब रेजिन को वाटर में रखने से क्या हुआ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर में मूव करेगा। लेकिन अगर मैं रेजिन के ऊपर प्रेशर लगा दूं, रेजिन के ऊपर प्रेशर लगा दूं, तो क्या होगा, रेजिन के बीच में वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगी। मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल अकेला रेजिन का, लेट अस सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक रेजिन का मॉलिक्यूल रखते हो पूरे बीकर में, तो वो उसमें मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा होगी। अगर आप इसमें 50 मॉलिक्यूल रख देते हो तो होगा क्या, हर एक मॉलिक्यूल पे प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑस्मोसिस होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर आप इस पे और ज्यादा प्रेशर रख के मतलब कोई हार्ड चीज इसके ऊपर रख देते हो तो वो ऑस्मोसिस को रोक देगी। इन अदर सेंस कहने का मतलब ये है कि रेजिन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे और रेजिन का साइज बढ़ रहा था, रेजिन का साइज बढ़ रहा था, लेकिन अगर आप प्रेशर लगाते हो रेजिन पे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में इसको सॉल्वेंट में रख देते हो, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ऑस्मोसिस उसमें रुक जाती है। तो प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस रुक गई, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब यही हुआ कि कितना प्रेशर लगाया, कि मिनिमम प्रेशर कितना लगा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि मिनिमम प्रेशर, कितना मिनिमम प्रेशर चाहिए ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। कि लेट अस सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां पे मैंने रेजिन रखा, रेजिन के ऊपर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में इसको मैंने डिप कर दिया, जैसे ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में रखा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसमें एंटर करेंगे, जिसकी वजह से रेजिन का साइज बड़ा हो जाएगा, तो स्वेलन अप हो जाएगी, इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। लेकिन अगर मैं रेजिन पे प्रेशर लगाता हूं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अब मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मैंने प्रेशर रेजिन पे लगा के रखा हुआ। प्रेशर लगाने का मतलब आप रेजिन को दबाकर रख सकते हो, जैसे दबाओगे तो क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और एंटर नहीं कर सकते। मोर ओवर आप दबाने की जरूरत नहीं है, आप इसको थ्रेड भी बांध सकते हो, वहां पे आप ये देख सकते हो कि इसमें ऑस्मोसिस रुक जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें प्रेशर और ज्यादा कम बढ़ा देते हो, मतलब प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देते हो, तो जो ऑस्मोसिस है वो अब क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू द रेजिन दे विल मूव आउटवर्ड, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो गया जब सॉल्वेंट मूव करे लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। और अगर
हम इस पे प्रेशर लगाते हैं तो सॉल्वेंट की जो, अगर प्रेशर लगाएंगे, अब ऑब्वियसली जब हम प्रेशर लगाएंगे अपोजिट होगा तो वो सॉल्वेंट की मूवमेंट को कम कर देगा, लेकिन अगर मैं प्रेशर और बढ़ा देता हूँ तो सॉल्वेंट इंस्टेड ऑफ मूविंग इन टू द सिस्टम दे विल गो आउटवर्ड, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया ऑस्मोसिस को रिवर्स करना, सॉल्वेंट मूव कर रहे थे लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये मूव करते हैं हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ सोल्यूट की, तो इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन हमारी जो टर्म है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है मिनिमम प्रेशर, कि कम से कम कितना प्रेशर लगाया जाए सो दैट जो हमारा ऑस्मोसिस है वो रुक जाए, तो उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पर हमारा ऑस्मोसिस, जो हमारी टर्म थी ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पे क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, अब बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, आप 11th क्लास पढ़ के आए हैं, आपको पता है कि वहां पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन कहां से निकलती है, बॉयल्स लॉ और चार्लेस लॉ को यूज करके, बॉयल्स लॉ और चार्लेस लॉ को यूज करके। सिमिलरली जो आइडियल गैस इक्वेशन ही, इक्वेशन को ही इन अदर सेंस में लिखा हुआ है, जब हम सॉल्यूशन में अप्लाई करते हैं इसको बोलते हैं बैंड हॉफ इक्वेशन, इसको बोलते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन। वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन बोलते थे, यहां पे वेंट हॉफ, वेंट हॉफ बोलता है पाई मींस ऑस्मोटिक प्रेशर, वी वॉल्यूम, बिल्कुल सेम वहां पे पी प्रेशर वी वॉल्यूम इक्वल टू एन आर टी, वहां पे पी प्रेशर होता था लेकिन हम यहां पे पाई ले रहे हैं बिकॉज बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ये किसके बराबर आ जाएगा एन आर टी। तो देयर फोर पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके बराबर आ जाएगा एन अपॉन वी आर टी, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अदरवाइज आप ऐसा भी देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन में सोल्यूट का लिया जाता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से हमें पता चल गया पाई जो है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो अगर कोई चीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है देन इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सेकेंड इसका पार्ट यहां से क्लियर हो गया कि जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट इज, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब थर्ड इसका जो पार्ट है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। एज वी नो पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वी सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू आरटी, ये हमने अभी किया, यहां पे हमने देखा पाई इसके बराबर है, इस इक्वेशन को लिए। अब हमें ये पता है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन बी इंटू आर टी डिवाइडेड बाई बी, मैंने एन बी को अलग कर लिया, बट एन बी किसके बराबर होता है मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इंटू आर टी बाय वी। डब्ल्यू वी इज द मास ऑफ सोल्यूट, एम बी इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, तो हमें एम बी निकालना है, तो एम बी की वैल्यू यहां से ट्रांसपोज कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई इंटू वी, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास निकल रहा है बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहां से हमें एक और चीज क्लियरिफाई हो गया कि जस्ट लाइक अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, कि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा जो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है वो कम हो जाएगा, अगर अगर हम इसे कम करते हैं तो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यू को हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप, डायग्राम में कुछ भी नहीं, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन आप एक एक पार्ट को समझेंगे तो ईजी हो जाएगा। डायग्राम बनाना आपको ऐसा लगेगा कि डायग्राम बहुत टफ है, लेकिन अगर आप एक सेक्शन को लेके चलेंगे बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इसमें क्या किया हुआ है, एक पोरस ट्यूब ली हुई है, एक पोरस ट्यूब लिया है जिसमें हमने सॉल्वेंट को फिल किया हुआ है। अब ट्यूब के